खड़ा क्या देख रहा है? जा अंदर जाकर काम कर। जी। बाबा। तू अभी तक यहीं खड़ा है? जा अंदर। प्रताप बेटे, तलवारबाजी बंद करो और नाश्ता कर लो। नहीं माँ, जब तक हमारे वार से पिताजी की तलवार जमीन पर नहीं गिर जाती, हम नाश्ता नहीं करेंगे। ये बात है, शाबाश मेरे बेटे। ओफो, आप भी क्या सुबह सुबह तलवार लेकर शुरू हो जाते हैं? हमें अपने बेटे को बहादुर बनाना है। जंग कबीले की शान, जो बड़ा होकर हमारा और जंग कबीले का नाम रोशन करेगा। पिताजी, हम महाराज कब बनेंगे? अरे बेटा, हमारे मरने के बाद। अच्छा पिताजी, आप कब मरेंगे? बदतमीज, तुम हमारी मौत का इंतजार कर रहे हो? चल जाओ। हमें महाराज बनना है, खजाना हासिल करना है। खजाना, 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 खजाना। इतने साल गुजर गए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, हम मालवा के महाराज बन गए। अब तक खजाने का कुछ पता नहीं चला। महामंत्री जी। महाराज, पुराने किले की खुदाई का काम बड़े जोरों से चल रहा है। ताम्र पत्र की पेटी मिलते ही खजाना मिलने में देर नहीं लगेगी। पेटी है, मिल गई, मिल गई, पेटी मिल गई, पेटी मिल गई। संभाल के, टूटने न पाए। अगर उस बदमाश को भागने न पाए। नहीं, नहीं, इसमें खजाने का भेद छुपा है। ये खजाना तुम जन कबीले के लुटेरों का नहीं, मालवा की जनता का है। महाराज धर्मपाल सिंह का है। मैं ये उन्हें को जाकर दूंगा, उन्हें को जाकर दूंगा। हम कब से इंतजार कर रहे थे। राम सिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, दिलेर जंग को ताम्रपत्र की पेटी मिल गई है। क्या उन्हें खजाने का भेद मालूम हो गया? नहीं महाराज, उस पेटी पर आदेश लिखा है, उसे पूर्णमासी को ही खुलना चाहिए। पूर्णमासी में अभी काफी रोज बाकी हैं, तब तक वो पेटी हमारे पास पहुंचानी चाहिए। जनता की अमानत जनता को मिलनी चाहिए, लुटेरों का नहीं। नाथूराम जी। महाराज, ये काम तुम्हारे जिम्मे है। आप बेफिक्र रहिए महाराज, मैं अपनी जान पर खेलकर पेटी लेकर ही आऊंगा। बड़े भैया, क्या हुआ, क्या बात है बड़े भैया? सरदार एक गंगापुर के वासी, यात्रा पर जा रहे थे कि रास्ते में डाकू शेरसे ने लूट लिया। आधे से ज्यादा घायल हो चुके हैं, अब ना तो ये यात्रा पे जा सकते हैं और नहीं वापस। बड़े भैया, इनकी मलम पट्टी और खाने पीने का इंतजाम करो। तुम लोग चिंता मत करो, तेज सिंह से उसके हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। सरदार शेर सिंह जिंदाबाद। आज हमारे सरदार की पांचवी बरसी के दिन मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार के दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चलूंगा। तुम्हारे सुख दुख को अपना सुख दुख समझूंगा। हाय रे है सर मज्जा। सरदार शेर सिंह, सरदार शेर सिंह, सरदार शेर सिंह। माँ, क्या हुआ? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर लूट मार करते हो, डाके डालते हो, कदम कदम पर तुम्हारी जान को खतरा है। अरे माँ, दुनिया में वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में डाल सके। सरदार भवानी सिंह जी मुझे वो विद्या सिखा गए हैं जिससे मैं अपनी अंतर शक्ति को जगाकर लोहे की जंजीरों को घास के तिनकों की तरह तोड़ सकता। लेकिन बेटा। ओफ माँ, जो जिम्मेदारी सरदार भवानी सिंह जी मुझे सौंप गए, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। डाके डालकर अपने गिरोह का पालन करना मेरा धर्म। धर्म तो जैसे दुनिया से उठ ही गया है छोटे मालिक। खजाने के असली मालिक है महाराज धर्मपाल सिंह और मालवा की जनता, मगर हड़प करना चाहता है ये दिलेर जंग।
आखिर है तो डाकू की औलाद ना। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी, चलो निकले यहां से। नहीं छोटे मालिक, नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चलो निकले यहां से। छोटे मालिक आप सोचे मैं कहां जाऊंगा, कहीं भी जाओ, झरने में जाओ। लेकिन छोटे मालिक आप चलो निकलो, बकवास करने लगा। गुरु 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 जाने दो, ये उल्टा सीधा बोलता जरूर है, वैसे तुम पर जान देता है जान। नहीं दबा, तुझे कुछ नहीं मालूम, ये जिनका खाता है उन्हीं की बुराई करता है, चलो निकलो। गुरु 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 एक बार और माफ कर दो, एक बार देख आइंदा कभी ऐसा नहीं करना, चलो चलो। बेटे प्रताप जीते रहो। मैं दरबार जा रहा हूं मां। बेटे आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें इस छोटी सी उम्र में सेनापति के पद पर देखकर कितना खुश होते। मौसी आजकल महाराज ने महामंत्री मानसिंह से भी ज्यादा मानते हैं। हाँ मां, महाराज ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा है। क्या? पुराने महाराज धर्मपाल सिंह और उसके परिवार को गिरफ्तार करना है, ताकि अपने महाराज दिलेर जंग और उनका खानदान बेफिक्र होकर हमेशा के लिए मालवा पर हुकूमत कर सके। प्रताप जंग, कुछ पता चला धर्मपाल सिंह का? नहीं महाराज, लेकिन तलाश जारी है। तलाश जल्दी करो, हमें इंतजार की आदत नहीं। लेकिन महाराज आज का जनता पर शेर सिंह के जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, पहले उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उससे हमारा क्या फायदा, हमारा दुश्मन धर्मपाल सिंह है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। ये धर्मपाल सिंह का जासूस मालूम होता है। पता कहाँ है धर्मपाल? मैं बताऊंगा। जानता है हम कौन है? अच्छी तरह जानता हूँ, तुम खूनी हो, लुटेरे हो, कमीने। माता भवानी, माता भवानी, सकल जग की रानी, बने देश सपना, बहारों का सपना, हो सुख भरी सबकी जीवन कहानी, माता संकट हारिनी। मां 20 वर्ष बीत गए लेकिन तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं हुई। मुझे राजपाट धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सुहाग, मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मां जी कल लक्ष्मी बिटिया की शादी है पर्वत पार के दुर्गा मंदिर में। अच्छा याद है माँ जी, जिस दिन गांव वालों ने आपको नदी से बाहर निकाला था उसी दिन लक्ष्मी बिटिया का जन्म हुआ था, मुझे मालूम है। लक्ष्मी की इच्छा है आप भी हमारे साथ मंदिर चलें आशीर्वाद देने के लिए। तो इसमें कहने की क्या बात है, बेटी की शादी हो और माँ ना आए, ये कैसे हो सकता है, मैं जरूर आऊंगी। गुरु 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 बड़ा अच्छा मौका है। क्या बारात जा रही है? हाँ पर्वत पार दुर्गा मंदिर की तरफ, कम से कम दान दहेज का माल तो होगा ही। साथियों जल्दी तैयार हो जाओ। हमारी बेटी की शादी के गहने हैं, अगर उसकी शादी टूट गई तो हम कहीं मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। डाकू सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। हटो, ठहरो।
कौन हो तुम? माँ। माँ? हाँ, जिसने इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मैं क्या करूं? मेरी तरफ देखो बेटे, और उस माँ को याद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। हर माँ राम को जन्म देती है बेटे, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे राम के रूप में ही देखना चाहती है, रावण के रूप में नहीं। तुम ये जो हत्याएं करते हो, सुहागनों के सुहाग लूटते हो, बच्चों को अनाथ बनाते हो, उससे तुम्हारी माँ का सर गर्व से ऊंचा नहीं होगा बेटे, शर्म से झुक जाएगा। उस बेचारी ने अपने भविष्य के बारे में जाने क्या क्या सपने देखे होंगे। तुमने अपने एक ही वार से इसके सारे सपने तोड़ दिए। अब न ये कुंवारी रही न सुहाग, इसकी मांग भरने से पहले ही सदा के लिए सुनी हो गई। साथियों, सारा माल वापस लौटा दो।